का दूसरी जानब नून लीग का भी मौकिफ सामने है इलेक्शन के हवाले से। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ये कहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन से फरार की राहें तलाश कर रही है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन पीटीआई इंतखाबात को सबूतास करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऐसे वो मजीद कह रहे हैं कि हम इन्हें भागने नहीं देंगे, उनकी जुबानें सुनते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। तो ये सारी सिचुएशन ऐसे है कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन से फरार की राहें तलाश कर रही है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ़ है, पीटीआई इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश कर रही है, हम उन्हें भागने नहीं देंगे, सुनते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। तैयारियां कर रहा है, उन्होंने इंतखाबी अमल को सबोताज करने के लिए एक खुदकुश हमला और किया इंतखाबी अमल पर के हाई कोर्ट में जाके रिटर्निंग ऑफिसर्स की नोटिफिकेशन को सस्पेंड कराया, जिसका मकसद ये था कि इलेक्शन मुकर्रा मुद्दत पे ना हो सके। इससे साफ जाहिर होता है कि पीटीआई इलेक्शन से फरार की राहें तलाश कर रही है। हम पीटीआई को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे।